सो हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोग ऐसे ही आपके अपने इस चैनल पे। तो आज अपन बात करने वाले हैं WBCE के अंडर मिलने वाला एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज और एक टॉप का कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज है हालांकि, लेकिन फिर भी ये टॉप का कॉलेज है। जितने भी बच्चे WBCE का एग्जाम देते हैं आफ्टर जादवपुर यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज उनकी लिस्ट में होता है जी। तो आपकी स्क्रीन पे दिख गया होगा, दैट इज हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में लोग HIT के भी बोलते हैं। के इसलिए लग जाता है क्योंकि ये कोलकाता में है। माने भैया ये कोलकाता का कॉलेज है। हाँ, ये कोलकाता का कॉलेज है। तो आज अपन पूरा बात करने वाले हैं HIT के को लेके, पूरा रिव्यू करने वाले हैं। क्या क्या किन किन पॉइंट्स पे अपन बात करेंगे वो सभी बात करेंगे वीडियो में जी। तो आपको HIT के को लेके कोई भी डाउट मन में नहीं रहने वाला है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना हमसे। जो भी आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। और अगर चैनल पे पहली बार आया यार तो प्लीज भैया को सपोर्ट करना, प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल यार। और वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि WBCE रिलेटेड मैंने और भी बहुत सारे वीडियोज किए हुए हैं, आप जाकर उसको देख सकते हो यार। टॉप 10 कॉलेजेस अंडर WBCE एग्जाम, मार्क्स सोर्सेज रैंक पे वीडियो किया हुआ है, तो स्ट्रेटजी के ऊपर भी वीडियो किया कि आपको पढ़ना है कैसे WBCE के लिए। और आपके लिए क्रैश कोर्स भी रखा हुआ है जिसमें मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको समझा रहा हूँ एक एक चीज। तो आप उस मैथ्स के क्रैश कोर्स को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट को भी एक बार जरूर चेक कर लेना। तो चलिए बिना टाइम गवाए अपन हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक एक चीज पे बात करते हैं। भैया सबसे पहले मेरे को ना ये बताओ कि आप किन किन फैक्टर पे बात करने वाले हो। तो आज ये है अपना हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी WBCE, इसलिए लिखे हैं क्योंकि अपन WBCE से ये मिलता है, जेई मेन से भी मिलता है, लेकिन अपन बात करेंगे इस वीडियो में WBCE डबल ई से ये कैसे मिलता है हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक, तो किन किन पॉइंट पे अपन बात करने वाले हैं देखिए आपके लिए ना, ये सबसे पहले मैं दिखा दूं कि बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं HIT के को। तो यार वीडियो तो बिल्कुल गलती से भी स्किप ना करना, एंड तक वीडियो देखना। तो यार एक एक चीज अपन बात करेंगे, किन किन पॉइंट पे बात करेंगे आइए बात करते हैं। तो अपन सबसे पहले देखेंगे जी कि हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन अपन कैसे ले सकते हैं, माने मोड ऑफ एडमिशन क्या होगा। कट ऑफ पे बात करेंगे, लोकेशन एंड मोड ऑफ ट्रेवल, इतने पॉइंट्स पे अपन बात करेंगे तो रह जाएगा क्या आपके मन में कोई डाउट, कोई डाउट नहीं रहने वाला जी। फीस स्ट्रक्चर के बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे। मार्क्स उसे रैंक में मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से बता दिया था कि यार HIT के अंदर ऐसे ऐसे फी है, इसमें पूरा डिटेल में पूरा सेमेस्टर वाइज फी बात करेंगे। हॉस्टल फैसिलिटी की बात करेंगे, इंफ्रा पे बात करेंगे, प्लेसमेंट, अल्टीमेटली गोल तो अपन का ही होता है ना प्लेसमेंट, कोर्सेज ऑफर्ड पे बात करेंगे। और फिर मैं 10 में रेटिंग दूंगा सबको कि क्या क्या यार रेटिंग है, वो मेरा खुद का रेटिंग होगा, ये नहीं कि कहीं आपको मिलेगा। और फिर लास्ट पे बता दूंगा कि इस कॉलेज की कुछ अच्छी बात क्या है और कुछ बुराइयां क्या है, ठीक ना, क्योंकि हर कॉलेज का कुछ प्रोस होता है और कुछ कॉन्स। तो लास्ट में अपन प्रोस और कॉन्स पे भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार। चलिए वीडियो पसंद है प्लीज लाइक कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और यार चैनल सब्सक्राइब किए बिना तो ना जाना यार, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहला बात आपके सामने लेकर आते हैं, इट इज मोड ऑफ एडमिशन। ठीक, मोड ऑफ एडमिशन पे बात करते हैं। तो यार तीन तरीके से आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हो, दैट इज आपका WBCE एग्जाम, PUBG का एग्जाम, जेई मेन्स का एग्जाम, और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी इसमें एडमिशन होता है। चूंकि ये प्राइवेट कॉलेज है तो ये सबके लिए होता है, WBCE सॉरी वेस्ट बंगाल स्टूडेंट के लिए भी, और इंडिया में आप कहीं से भी हो आप हेरिटेज में एडमिशन ले सकते हो, ठीक ना। तो मोड ऑफ एडमिशन की अगर बात करते हो यार, 80% सीट्स आपको फिल किए जाते हैं WBCE डबल एग्जाम के लिए। मैंने WBCE एग्जाम ना इस कॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 80% 80% का नहीं मतलब कि अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो 80 सीट तो ये इससे लेगा, 80 स्टूडेंट को लेगा WBCE से, 10 स्टूडेंट को लेगा जेई मेन एग्जाम से, और 10 स्टूडेंट को ये मैनेजमेंट कोटा कहने का मतलब कि अगर आपको देसी भाषा में समझाओ ना तो थोड़ा ज्यादा पैसा लेकर ये लोग दे देते हैं सीट्स, ठीक ना। लेकिन 10 ही परसेंट 10 ही परसेंट, ठीक ना। मैंने अगर आपका 4 लाख अगर कॉलेज का फी है तो आप 6-7 लाख रुपया लेके ये आपको सीट दे देते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, ठीक ना, लेकिन 10 ही परसेंट जी, ठीक ना। तो इस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हो 80% से WBCE से, 10% जेई मेन से, और 10% मैनेजमेंट कोटा पे। तो बात नंबर एक हो गई समाप्त, आइए मूव करते हैं भैया बात नंबर दो पे। बात नंबर दो पे बात करें तो कट ऑफ फॉर HIT के, माने WBCE, और ध्यान रहे ये सिर्फ WBCE के लिए बात कर रहा हूं, जेई मेन का कट ऑफ नहीं है, ये WBCE का कट ऑफ है। ये पिछले साल जो 2021 में कट ऑफ था ना, ये एज इट इज मैंने चिपका दिया, कोई भी चेंज नहीं किया, एज इट इज पूरा डेटा के साथ आपके सामने चिपका दिया हूं 2021 का कट ऑफ जो कि रिसेंटली है। बात करें CSE की तो यार 3 पॉइंट, जैसे कि मैंने मार्क्स उसे रैंक में ही बताया था कि यार ये 3.5 के करीब क्लोज हो जाता है। देखिए 3, 2, 1, 4 गया जनरल के लिए, ठीक।
एससी की बात करें तो 4-2-3-5 स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छा से अपना पूरा देख लेना। हम एक बार आपको अच्छे से बता देते हैं कि टीएफडब्ल्यू तो 4K के अंदर आपका सीएससी क्लोज हो जाएगा, और अगर आप एडमिशन चाहते हो इसमें जनरल से हो तो यार अंडर 20 के आपको रैंक करना पड़ेगा, तब आप सिविल इंजीनियरिंग लेकर यहाँ पे पढ़ सकते हो। एससी हो तो को ये ज्यादा डिफरेंस नहीं रखता कैटेगरी में, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट में जाओ आप बहुत ही ज्यादा मतलब यार देखने को मिलेगा, खास करके जेयू में, बाकी गवर्नमेंट तो भाई नॉन डोमिसाइल के लिए होते ही नहीं। ठीक, तो यहाँ पे आप कट ऑफ अच्छे से देख सकते हो, मैंने पूरा यहाँ पे लिख दिया आपके सामने। आईटी चाहिए तो 4K के अंदर स्कोर करना पड़ेगा, तो बहुत ही अच्छा कॉलेज होता है, इसलिए देखो इसका कट ऑफ कितना हाई है। ठीक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए तो 10K के अंदर आपको स्कोर करना पड़ेगा, बढ़िया रैंक होता है 10K के अंदर आपका, अगर रैंक आता है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा अच्छा। ठीक, आइए 3 नंबर बात करें भैया, इस कॉलेज के अंदर ना पहुंचेंगे कैसे, लोकेशन एंड मोड ऑफ ट्रैवलिंग पे। देखिए आपके सामने कितना अच्छा से यार एक एक चीज एक्सप्लेन किया मैंने, तो यार प्लीज लाइक करना वीडियो को। चलिए बात करते हैं लोकेशन एंड मोड ऑफ ट्रैवलिंग पे, तो यार कैसे जा सकते हैं इस कॉलेज के अंदर। तो भैया ना इस कॉलेज के अंदर ना आप जा सकते हो, इट इज नियर ईस्ट कोलकाता। सबसे पहले है कहाँ ये, अब देखिए कोलकाता दो है, ईस्ट और वेस्ट, तो अपना हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आता है ईस्ट कोलकाता में, वो भी कहाँ, आनंदपुर में। कहाँ, आनंदपुर एक जगह है, वहां पे है चौबागा रोड। ठीक ना, रोड जहाँ पे ये है उसका नाम है चौबागा रोड। पिन कोड क्या है भैया, पिन कोड है 700107। तो पूरा एड्रेस मैंने आपके सामने चिपका दिया एज इट इज, तो अगर आपको HIT के जाना हो तो किसी को भी ये एड्रेस बताना, किसी ऑटो वाले को ये एड्रेस बताना, वो आपको वहां पे पहुंचा देगा। तो एड्रेस तो पता होना चाहिए ना यार सबसे पहले। अब बात करते हैं ट्रैवलिंग कैसे करेंगे, तो ट्रैवलिंग तो इस बात पे डिपेंड करता है आप आते कहां से हो, लेकिन आपको जाना कहां है। यहां पे मैंने मेंशन कर दिया है कि जो आनंदपुर है इसका नियरेस्ट बस स्टॉप है, माने भैया आनंदपुर एक बस स्टॉप है, हाँ, और एक रोबी बस स्टॉप भी है जो इसके नियरेस्ट है। ठीक, वहां से आप चले जाना, आप आनंदपुर चले जाना बस स्टॉप, या फिर आप रोबी बस स्टॉप चले जाना, और वहां से जस्ट थोड़ा सा पैदल ही, या फिर आप ऑटो भी ले सकते हो, कॉलेज पहुंच जाओगे जी। ठीक ना, यहाँ किसी से भी पूछोगे वहां पे बता देगा आपको कि HIT के कहाँ है, क्योंकि यार फेमस कॉलेज है यार। ठीक, लेकिन अगर आप ट्रेन से कंसिडर करते हो, बस की बात नहीं करें, ट्रेन से बात करें, तो यार ट्रेन से अगर आप मोस्टली हावड़ा स्टेशन को मैंने प्रेफर लिया है, तो हावड़ा स्टेशन से 18 किलोमीटर डिस्टेंस पे है ये, ज्यादा दूर बिल्कुल नहीं है, और सिलडाह स्टेशन से आपको 10.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पड़ जाएगा जी। तो मैंने बता दिया कैसे आप इस कॉलेज के अंदर पहुंच सकते हो, कैसे आप इस कॉलेज में जा सकते हो, बाय बस भी बता दिया और बाय ट्रेन भी बता दिया। ठीक, और पूरा एड्रेस मैंने ये आपके सामने चिपका दिया। तो चलिए बात करते हैं 4 नंबर बात पर, दैट इज फी स्ट्रक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फी स्ट्रक्चर, कि भैया प्राइवेट कॉलेज है महंगा होगा, गवर्नमेंट इतना सस्ता तो नहीं होगा, वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट कॉलेज बहुत सस्ते होते हैं। ठीक, फी स्ट्रक्चर पे बात करते हैं यार, तो यार दो ब्रांचेस पे इसने थोड़ा सा मतलब यार नाइंसाफी नहीं कहेंगे, मतलब थोड़ा सा इसने डिस्क्रिमिनेशन किया है ब्रांचेस को लेके, कि अगर आप सीएससी लेते हो, बीटी लेते हो, आईटी मतलब कोई भी ब्रांच लेते हो एक्सेप्ट अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपको थोड़ा अलग फी देना पड़ेगा, 10,000 का ये अंतर होता है। एडमिशन के टाइम में आपको 91,100 पे करना पड़ेगा, ये रिसेंटली है 2021 का। ठीक, तो जितने भी लोग बताएंगे वो आपको पुराना डेटा बता रहे होंगे, मैं बिल्कुल रिसेंटली 2021 का डाटा आपके सामने चिपका रहा हूं, क्योंकि आप 2022 में एडमिशन लोगे तो डेटा 2021 का मैच करेगा। ईच सेमेस्टर उसके बाद आपको 60,000 पे करना, ध्यान रहे सिर्फ ट्यूशन फी है, हॉस्टल फी मैंने इंक्लूड नहीं किया। ठीक ना, ये सिर्फ मैंने ट्यूशन फी पढ़ने का खर्चा आपका इंक्लूड किया, कि एडमिशन कराने जाओगे तो आपको 91,100 पे करना पड़ेगा, और उसके बाद प्रति सेमेस्टर आपको 60,000 रुपए पे करना पड़ेगा। ठीक, और अगर आप AEIE से हो, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एडमिशन लेते हो, तो आपको थोड़ा सा 10,000 आपको कम मतलब 81,000 रुपए आपको देना पड़ेगा एडमिशन के टाइम में, और उसके बाद आपको 50,000 ई सेमेस्टर पे करना पड़ेगा जी। ठीक, तो आप इससे आप 4 साल का खर्चा आप कैलकुलेट कर सकते हो, मोटा मोटी 5 लाख रुपए का खर्चा पड़ जाता है इसके अंदर सिर्फ ट्यूशन। अभी हॉस्टल की बात अपन आगे करेंगे, तो ये रहा आपका फी स्ट्रक्चर। ये चलिए बात करते हैं 5 नंबर पे, ऐसे पॉइंट वाइज बताकर मैं आपको समझा रहा हूँ एक एक चीज पे। तो ये 5 नंबर पॉइंट पे बात करते हैं जी, हॉस्टल फैसिलिटी। क्या भैया इसके अंदर हॉस्टल मिलेगा क्या हमको? हाँ, तो मैंने सबसे पहले लिखा कि हॉस्टल इज ओनली फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एंड विद वेरी लिमिटेड अवेलेबिलिटी। यार ये ना इस कॉलेज की थोड़ी सी मतलब नेगेटिव पॉइंट हो जाती है कि यार इसके अंदर हॉस्टल सिर्फ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को मिलेगा, और उसमें भी हर किसी को नहीं मिल पाता। अगर आप पहले बुकिंग कर लेते हो हॉस्टल की तो ही मिल पाएगा, क्योंकि बहुत ही कम सीट्स होते हैं, और जितने भी हॉस्टल हैं बाहर है। देखो यहाँ पे लिखा ना, हॉस्टल इज आउटसाइड द कॉलेज नियरली 800 मीटर फार फ्रॉम दी कॉलेज, मैंने कॉलेज से आपको लगभग लगभग 800 मीटर की दूरी पे आपका हॉस्टल है। अंदर नहीं मिलेगा जी, आपको हॉस्टल अंदर नहीं मिलेगा, बाहर मिलेगा 800 मीटर की दूरी पे।
और सिर्फ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए है, वो भी अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो बहुत पहले ही बुकिंग करना पड़ता है, नहीं तो फिर आपको बाहर पीजी बहुत ही सस्ते पीजी मिल जाते हैं बाहर। कुछ भी डाउट हो हॉस्टल के रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, इतनी जानकारी मैं आपको बेसिक दे देता हूँ। फी फी कितना, फी भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। तो यार कोलकाता में है इसलिए थोड़ा सा महंगा है, लेकिन फिर भी ठीक है। 58 के पर ईयर आपको पे करना पड़ेगा फॉर बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए, ठीक। ये ध्यान रहे सिर्फ रहने का खर्चा होता है, मेस बिल आपका अलग से आता है, वो हर कॉलेज के साथ यही है। ये सिर्फ आपका रेंट है, मतलब रहने का है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब चीज आ जाता है, लेकिन खाने को आपको मेस बिल अलग से पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। तो ये 3 पॉइंट जो हॉस्टल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यार वीडियो लंबी हो जाए स्किप मत करना यार, ऐसे कौन बातें करेगा, मैं एक एक चीज आपको डिटेल में बता रहा हूँ, कुछ भी डाउट ना रह जाए आपके मन में, ठीक। तो मैंने आपको बता दिया सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए है, वो भी बहुत ही लिमिटेड है, सेकंड ईयर जाते हैं फिर आपको हॉस्टल छोड़ना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए हॉस्टल मतलब हॉस्टल लाइफ यहाँ पे उतना कुछ खास मिलने वाला नहीं है आपको हेरिटेज में, ठीक। बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने खोल दिया यार आपके सामने, आप एक बार पढ़ लो वीडियो को पॉज करके, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। यार क्लासरूम सबसे मेन तो यही होता है ना यार, जहां पे हमको पढ़ना है, जहां पे अपन को पढ़ना है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ तो क्लासरूम बहुत ही अच्छा है इसके अंदर, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा कैंपस है, भले ही छोटा कैंपस है, देखो मैंने लिख दिया है कैंपस। तो तीन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है दैट इज कैंपस साइज, 8 एकड़ का कैंपस है, मतलब छोटा कैंपस है, बड़ा नहीं है, ठीक। ESTD तो पुराना कॉलेज है यार, 2001 का एस्टेब्लिशमेंट है इसका, तो मैंने पुराना कॉलेज है। नैक ग्रेडेशन की बात करें तो यार इसको ग्रेड B++, यार नैक ग्रेडेशन इसका ग्रेड B++ है। अब बात करते हैं कि यार बहुत ही अच्छा इसके क्लासरूम है, आप पढ़ लीजिए यहाँ पे, मॉडल क्लासरूम, LCD प्रोजेक्टर आपको पूरा मिल जाएगा इसके क्लासरूम में, स्पेसियस है, एयरी है, इक्विप विद ओवरहेड प्रोजेक्टर, जो ऊपर होता है ना प्रोजेक्टर, आप समझ ही गए होंगे, आजकल के बच्चे तो यार जरूर जानते होंगे। तो ये सभी चीजें आपको मिल जाएगी क्लासरूम में। आउटडोर गेम्स की बात करें तो यार क्रिकेट अगर ना मिले तो कौन ही जाता है यार कॉलेज में, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, गोल्फ और स्विमिंग भी है इसके अंदर, यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट पे मेंशन किया स्विमिंग। अब आप कॉलेज जाना तो यार मेरे को बताना है कि नहीं, ठीक ना। इंडोर गेम्स में आपको चेस मिल जाएगा, बैडमिंटन मिल जाएगा, इंडोर गेम्स में बैडमिंटन मिलेगा, माने अंदर जरूर इनका बैडमिंटन कोर्ट होगा, कैरम मिल जाएगा आपको, टेबल टेनिस मिल जाएगा यार, तो खेलने के लिए भी इन्होंने खूब यार फैसिलिटी रखा हुआ है, तो कॉलेज बहुत ही अच्छा है। बैंक की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक का आपको मिल जाएगा इसके अंदर, तो यार बहुत ही अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं ये लोग इंफ्रा में, और हेल्थ फैसिलिटी भी आपके अंदर इन्होंने अवेलेबल किया है कैंपस के अंदर ही, मैंने आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कैफे, कैंटीन, कॉमन रूम, ऑडिटोरियम सभी चीज मिलेगा यार, कैंपस इज फुल्ली इक्विप्ड विद वाईफाई कनेक्शन, वाईफाई भी है इसके अंदर। अब स्पीड कैसा है कैसा नहीं वो आपको जाके पता चलेगा, ठीक ना, लेकिन वाईफाई है इसके अंदर, ठीक। अब बात करते हैं, ये फीचर बहुत ही अच्छी फीचर होती है कि हर बच्चे को यहाँ पे पर्सनल ईमेल आईडी मिलता है, एक यूनिक ईमेल आईडी मिलता है, जिससे आप कोई भी मतलब इंस्टीट्यूट के रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हो तो आपको एक कॉमन कंप्यूटर रूम होता है जहां पे 200 MB/s का स्पीड मिलता है, लैन केबल होता है वहां पे, और आप वहां पे जाकर अपना कोई भी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड काम कर सकते हो, ठीक ना। तो आप पढ़ लेना, सेंट्रल कंप्यूटिंग फैसिलिटीज ये लोग प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट होता है इस कॉलेज के साथ। तो चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे, तो इंफ्रा को आप अच्छे से पढ़ लेना एक बार, अच्छे से और देख लेना, मेरे मतलब जहां तक था वहां तक मैंने आपको समझा दिया। चलिए अब बात करते हैं प्लेसमेंट रिकॉर्ड की, तो मैंने यार 3 साल का डेटा आपके सामने चिपका दिया है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड इसका क्या क्या होता है। तो 2017 में ये लोग बोलते हैं यार कि 85% बच्चे यहाँ से प्लेस्ड हो गए हैं, 2018 में थोड़े से डिक्रीज हुआ 74%, 2019 में 85% और 2020 में 83% बच्चे प्लेस्ड हुए हैं इनके अंदर से। मैक्सिमम CTC आप देख सकते हो 2017 में थोड़ा सा कम था, 6.3 था, फिर देखो हर साल इनका यार प्लेसमेंट बढ़ा है यार, मैक्सिमम सिटी से आप देखो 11.5 फिर 28.05, मैक्सिमम सिटी कितना ज्यादा इंक्रीज किया, और फिर कोरोना पीरियड था इसीलिए थोड़ा सा इनका प्लेसमेंट थोड़ा डाउन चला गया, फिर भी 16 लाख है इनका, तो यार प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है इसके अंदर। एवरेज की बात करें तो आप देख लो यार लगभग 3.5 से 4.5 के बीच वेरी करता है इनका एवरेज CTC, 2019 में इनके वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि 4.5 है इसका एवरेज, फिर थोड़ा सा कोरोना पीरियड था 4 हो गया, डिक्रीज हो गया, तो यार 3.5 से लेकर 4.5 तक वेरी करता है, और मिनिमम CTC आप देख सकते हो यार 2.5 तक वेरी करता है, मिनिमम 2 लाख तक तो आपका पैकेज लग जाएगा इसके अंदर, ठीक ना। जो मेजर रिक्रूटर्स कंपनी होती है दैट इज TCS, इन्फोसिस, विप्रो और कॉन्जिगेंट, ठीक ना, तो ये सभी कंपनीज होती है मेजर रिक्रूटर होती है, मतलब और भी कंपनियां आती हैं यार, यही 4 कंपनियां थोड़ी किसी कॉलेज के अंदर है, बहुत सारी कंपनियां आती हैं, लेकिन ये मेजर रिक्रूटर्स होती है, ज्यादा बच्चे लेकर जाती है, ठीक ना। तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड, प्लेसमेंट ओवरऑल बात करें बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट, अभी मैं रेटिंग भी करने वाला हूँ सबको, ठीक ना। वीडियो लेंदी हो गया यार, स्किप मत करना यार, प्लीज स्किप मत करना, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक ना। चलिए बात करते हैं 8वें पॉइंट पे, दैट इज कोर्सेज ऑफर, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करते हैं भैया बीटेक।
और बीटेक में कौन कौन, सीएसई, आईटी, ईसी, मैकेनिकल, मतलब हर वो क्रॉस जो कोर्स होता है ना बीटेक में, सब इनमें मिल जाएगा आपको। और आजकल तो यार सीएसई स्पेस लाइसेंस चल रहा है, साइबर सिक्योरिटी कोर्स, ठीक ना, और जितने भी सीएसई स्पेस लाइसेंस होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, तो ये सभी इनके अंदर अवेलेबल है जी। आप एमटेक कर सकते हो यहाँ पे, अगर आप बीटेक के बाद मन बनाते हो एमटेक का, तो हेरिटेज से एमटेक भी मिलेगा आपको, एमसीए और एमबीए जैसे कोर्सेज भी यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। तो ये था अपना 8वां पॉइंट। बात करते हैं अपना 9वां पॉइंट। 9वां पॉइंट तो भैया आप रेटिंग करने वाले हो ना, हाँ 10वां पॉइंट प्रोस और कॉन्स पे बात कर लेते, फिर अपन रेटिंग भी करेंगे। तो आइए अपन आगे रेटिंग करते हैं, क्योंकि अपन का 9वां पॉइंट है वो। तो यार सबसे पहले रेटिंग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, मोड ऑफ एडमिशन पे तो थोड़ी रेटिंग होगा, ठीक ना, रेटिंग कट ऑफ पे रेटिंग होगा क्या भैया, नहीं कट ऑफ पे भी रेटिंग नहीं होगा। लोकेशन एंड मोड ऑफ ट्रेवलिंग पे रेटिंग होगा, हाँ लोकेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉलेजेस कोलकाता में नहीं है, तो रेटिंग में इनको 10 में यार 10 मिलेगा, क्योंकि कोलकाता में है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे जगह पे कॉलेज है, और मैक्सिमम बच्चे इसीलिए यहाँ पे एडमिशन लेते हैं क्योंकि कोलकाता में इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है इसके अंदर, तो लोकेशन में तो 10 में 10 मिलेगा। फी स्ट्रक्चर थोड़ा सा, फी यार मतलब मेरे हिसाब से महंगा है कॉलेज, थोड़ा सा महंगा है, इससे भी सस्ते कॉलेज हैं प्राइवेट में, इसको और थोड़ा सा यार बच्चों पे थोड़ा रहम करना चाहिए फी, इसलिए फी स्ट्रक्चर में मैं 8 दूंगा इसको। क्यों? क्योंकि यार साउथ कॉलेज जितने भी आप चले जाइए प्राइवेट ना, उसके कंपेरिजन में तो बहुत सस्ता कॉलेज है। ठीक, अब बात करते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज पे, नहीं भैया इस पे इसको नहीं मिलेगा रेटिंग, क्योंकि हॉस्टल फैसिलिटी इसके अंदर है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जितनी भी है ठीक है, फिर भी मैं इसको 6 की रेटिंग चले देता। आप भी अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार आप कितने रेटिंग दोगे इसको। ठीक, तो मैं तो 6 को दिया क्योंकि हॉस्टल फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है इसके अंदर। ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही मतलब तगड़ा यार इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका, 10 में मेरे को ना मैं 9 की रेटिंग दे दूंगा इसका, इंफ्रा बहुत ही अच्छा। कैंपस थोड़ा सा छोटा है इसलिए मैंने थोड़ा सा 1 रेटिंग कम कर दिया, लेकिन जितना भी कैंपस है इसका बहुत ही सुंदर दिखता है यार हेरिटेज, ठीक ना। चलिए, प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा है, ठीक ठाक प्लेसमेंट है, मतलब एक नॉर्मल प्लेसमेंट जो होना चाहिए जो कॉलेज प्रोवाइड करे, लेकिन जितना इसकी पॉपुलैरिटी है कॉलेज की उस हिसाब से प्लेसमेंट मतलब और थोड़ा सा इसका ज्यादा होना चाहिए, एवरेज तो एटलीस्ट होना चाहिए, तो प्लेसमेंट में ना मैं इसको 7 दे दूंगा, प्लेसमेंट में मैं इसको 7 दे दूंगा, थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए। आप भी जरूर बताना यार कमेंट सेक्शन में आप क्या रेटिंग दोगे। तो कोर्सेज ऑफर्ड इसमें क्या रेटिंग करना यार, और अब बात करते हैं प्रोज और कॉन्स की। प्रोज सबसे बढ़िया मैंने क्या बताया, कॉलेज लोकेशन कोलकाता, ठीक, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका, ठीक ना, कॉलेज है, गुड एनवायरमेंट ऑफ कोडिंग एंड फॉर स्टडीज। अब चूंकि टॉप के बच्चे यहाँ पे जाते हैं, जो WBJEE से टॉप के स्टूडेंट होते हैं, अंडर 5 के रैंक वाले होते हैं वहीं सब जाते हैं, अंडर 10 के रैंक जाते हैं यहाँ पे, तो अंडर 10 के यार तो पढ़ने वाले ही बच्चे होंगे, ठीक ना, तभी WBJEE के अंदर उन्होंने अंडर 10 के स्कोर किया, तो आपको एक बढ़िया माहौल मिल जाता है, बढ़िया स्टूडेंट मिल जाते हैं, तो कोडिंग का माहौल और स्टडीज का माहौल यहाँ पे बहुत ही अच्छा होता है। ठीक, और फीस आर लेस कंपेयर टू अदर प्राइवेट कॉलेज ऑफ डिफरेंट स्टेट, मैंने अगर बाकी स्टेट के कंपेयर में बात करें तो बहुत ही सस्ता कॉलेज है यार, क्योंकि बाकी में आप चले जाइए 10 लाख तक तो आपका पड़ जाता है। कॉन्स की बात करें, बुराई क्या है इस कॉलेज की, तो प्लेसमेंट इज नॉट एज पर द पॉपुलरिटी ऑफ द कॉलेज। WBJEE में जादवपुर यूनिवर्सिटी और हेरिटेज बहुत ही पॉपुलर कॉलेज है, लेकिन उसके हिसाब से जादवपुर का तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, लेकिन इसका उतना मतलब सही नहीं है जितना इसकी पॉपुलरिटी है। ठीक, और कोर ब्रांचेस की प्लेसमेंट तो यहाँ बिल्कुल नहीं है, तो अगर आप कोर ब्रांचेस लेकर यहाँ पे पढ़ना चाहते हो तो मेरे हिसाब से मत जाना इस कॉलेज में, क्योंकि आप फीस भी ज्यादा दोगे और आपकी प्लेसमेंट उतनी अच्छी होगी नहीं, और कैंपस साइज बहुत ही छोटा है, बहुत ही 8 एकड़ का कैंपस है, आप समझ सकते हो बहुत ही छोटा। तो ये रहा आपका प्रोज और कॉन्स, तो मतलब मुझे उम्मीद है कि मैंने हर चीज क्लियर कर दिया, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में यार कोई भी डाउट रहता है यार, तो मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना, वहां मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हो। ठीक, कोई भी डाउट हो तो यार कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, इट्स माई रिक्वेस्ट, एंड इन द लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही, बात करेंगे बहुत ही जल्द अपन टेक्नो, हल्दिया, इन सभी कॉलेज पे भी अपन रिव्यू करेंगे यार, तो WBCA रिलेटेड से बहुत ही वीडियोज मैं लाने वाला हूँ, हेल्पफुल वीडियोज, काउंसलिंग तक अपन आपके साथ रहेंगे, और मैथ्स का क्रैश कोर्स फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार जाओ उस क्रैश कोर्स को, बस पहला वीडियो देखना, अगर मजा नहीं आया तो छोड़ के चले जाना यार, मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ पूरा डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, माइनस कब लगेगा, कब माइनस नहीं लगेगा, सब चीजें तो भूल जाते हैं ना बच्चे, साइन एक्स का कब माइनस लगेगा कब नहीं, मैंने पूरा शॉर्ट ट्रिक के साथ लिंक बनाकर फॉर्मूला याद कराया, तो एक बार उसको जरूर देखना। चलिए धन्यवाद, आज में अपन इतना ही रहने देते हैं, वीडियो लेंदी ना हो, तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, WBJEE से आपको हेरिटेज जरूर मिलेगी, तो आप जरूर जाना इस कॉलेज में, बहुत ही अच्छा कॉलेज है, तो चलिए धन्यवाद।